दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। देखिए अजमेर कोरोना वायरस से तो लड़ ही रहा है, लेकिन इसी समय पर अजमेर के अंदर आईएएस अधिकारी अर्तिका शुक्ला और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा के बीच विवाद भी चल रहा है और ये विवाद लगातार दो दिन से अजमेर शहर देख रहा है। और इस विवाद में गुरुवार शाम एक बड़ा फैसला आया है और उस फैसले के अंदर एसडीएम अर्तिका शुक्ला, जिनको कोविड 19 का नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी दी हुई थी, उनसे अब ये जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। इनके स्थान पर अब जिला परिषद सीईओ गजेंद्र सिंह हैं। गजेंद्र सिंह को अब कोविड 19 का नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। इसी के साथ आपको हम बता दें कि बुधवार तक जो स्थिति थी वो कमोवेश हालात अजमेर के अंदर ऐसे थे कि चिकित्सा अधिकारी और आईएएस जो अर्तिका शुक्ला हैं, इन दोनों के बीच लंबा विवाद चला। इस विवाद के चलते डॉक्टर ज्योत्सना रंगा जो हैं, उन्होंने अजमेर के सीएमएचओ को ये शिकायत दी और ये अपनी मांग भी रखी कि एसडीएम अर्तिका शुक्ला को कोविड 19 के जो नोडल ऑफिसर बनाया है उससे उनको हटाया जाए और उसके साथ साथ उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। लेकिन लगातार बुधवार के पूरे दिन डॉक्टरों के बीच बैठकों का दौर चलता रहा और उस दौर के बाद ये फैसला हुआ कि गुरुवार तक अगर प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया गया तो फिर इस मामले के अंदर डॉक्टरों के माध्यम से एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। इसके लिए डॉक्टर ज्योत्सना रंगा अपने तमाम साथियों के साथ जो सिविल लाइन थाना है वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर उन्होंने शिकायत भी दी। शिकायत ले ली गई है लेकिन किसी प्रकार की एफआईआर फिलहाल एसडीएम के ऊपर दर्ज नहीं हुई है। लेकिन जब शिकायत ले ली गई है और उसके बाद कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा के पास में जब डॉक्टर अपना मामला लेकर पहुँचे हैं तो उस दौरान लंबे बैठक का दौर चला है और बैठक में ये फैसला लिया गया है कि एसडीएम अर्तिका शुक्ला को कोविड 19 के नोडल ऑफिसर से हटाया जाता है, उनके स्थान पर अब जिला परिषद सीईओ गजेंद्र सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने स्पष्ट कर दिया है तमाम शहरवासियों को और मरीजों को कि डॉक्टर्स किसी प्रकार से किसी हड़ताल या आंदोलन पर नहीं जाएंगे, वो इस कोरोना महामारी के दौरान अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखेंगे। हालांकि डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने यह मांग की है कि इस मामले के अंदर उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और सरकार को सीधे तौर पर दखल देना चाहिए। ये 21 तारीख को मध्य रात्रि के समय जो घटना घटित हुई थी जिसमें एक महिला डॉक्टर और एसडीएम अजमेर के बीच में जो प्रकरण हुआ था उसके संबंध में आज वार्ता की गई और इसमें फिर हम लोगों ने मिल बैठ के इसका सर्वमान्य हल निकाल लिया है। और अभी वर्तमान में कोविड के नोडल ऑफिसर का चार्ज जो है गजेंद्र सिंह राठौर जी को दे दिया गया है और इसमें उनके द्वारा ही अब ये कोविड का नोडल ऑफिसर का कार्य देखा जाएगा और इसमें अब कोई ऐसा कोई दूसरा इशू अब नहीं है। हटाने की मांग रखी है, ब्यावर को लेकर भी कोई समस्याएं हैं उसको लेकर क्या है? ब्यावर के संबंध में भी जो उनके द्वारा बात बताई गई है, जो घटना घटित हुई थी उसके लिए हम लोगों ने ADM 2 भगवत सिंह राठौर जी को जांच अधिकारी बनाया है और उसकी जांच करके वो सारे प्रकरण के रिपोर्ट सौंपेंगे। ADM से क्या काम देखेंगे आप, किस चीज़ का काम देखेंगे? केवल SDM रहेंगे, इसका काम नहीं देखेंगे? अभी वो वर्तमान में जिस पद पे हैं वो उसी अपने पद का दायित्व का निर्वहन करेंगे। सर, चिकित्सक संतुष्ट नहीं है, चिकित्सकों का कहना है कि उन्हें सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। देखिए, जाँच होने के बाद भी जो मतलब बिल्कुल निष्पक्ष जाँच होगी उसमें फिर जो तथ्य निकल के सामने आएगी उसके बाद कार्रवाई करेंगे। निर्णय हुआ कि जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसकी हमने FIR लॉन्च कर दी है और जो हमारी निलंबन की मांग है वो है तहसीलदार और SDM की। अच्छा, और जो आदेश के उनको हटाया गया है, क्या आदेश? सर, हमारे हाथ में अभी कोई आदेश नहीं है, जब आएंगे तब देखेंगे। आप जो बैठक हुई है उससे संतुष्ट हैं आज के निर्णय से? सर, निर्णय तो कुछ हुआ ही नहीं है ना सर, निर्णय थोड़ी हुआ है, ये तो हमारी वार्ता थी, हमारा पक्ष सुना गया, हमने उनकी बात सुनी, निर्णय तो राज्य करेगा, राज्य अरेस्टा। तो जो भी बातचीत हुई है उससे संतुष्ट हैं अभी भी कुछ? सर, मैं कह रही हूँ ना कि हमारी डिमांड है FIR और सस्पेंशन। तो जब तक ये रहेगा तब तक आप ये आंदोलन जारी रहेगा? हाँ सर, काम नहीं छोड़ेंगे हम लोग, एक मिनट की भी स्ट्राइक नहीं होगी, एक मिनट का भी पेन डाउन नहीं होगा, सभी डॉक्टर्स अपनी अपनी जगह पे अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे
लेकिन ये हमारी डिमांड मौजूद रहेगी। और इसके लिए अगर एसोसिएशन को प्रदेश स्तर पर करना पड़े तो? सर प्रदेश स्तर का ही है, अभी कोविड की गतिविधियों के कारण हमारी बाकी की जो कोर कमेटी के सदस्य यहाँ नहीं है, लेकिन हम उनसे बराबर बातचीत में हैं। अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर अजय चौधरी, उन्हीं के जो उनकी गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से काम होगा और वही निर्णय करेंगे, फाइनल वही होगा।